टीचर, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, जूरिस्ट एंड रॉयल एडवाइजर, ये सारे के सारे गुण थे आचार्य चाणक्य में। और वो चाणक्य ही थे जिनके रहते सिकंदर ने पूरी दुनिया तो जीत ली, लेकिन भारत में आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की सेना से वो कभी न जीत सका। आचार्य चाणक्य किसी भी व्यक्ति का चेहरा देखकर ये पता लगा लेते थे कि वो क्या सोच रहा है। आचार्य चाणक्य ने अपनी लाइफ में कुछ किताबें लिखी, जिनमें से एक किताब है चाणक्य नीति। और ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है जो कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, क्योंकि चाणक्य ने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम किए और इस दौरान उन्होंने जो भी सीखा उसको उन्होंने चाणक्य नीति में लिखा। इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए जो कि सक्सेसफुल होना चाहता है, ये किताब पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि आजकल लोगों के पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं होता, इसलिए हम चाणक्य नीति की ऑडियो बुक फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सुनिए और सीखिए चाणक्य नीति चैप्टर 1। तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति के सिद्धांतों को कहता हूँ। मैं यह सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर कह रहा हूँ। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा, उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञात होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिनसे लोग सभी चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास करना साक्षात मृत्यु के समान है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन यदि बात आत्मा की सुरक्षा की हो तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा न सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। उस देश में निवास न करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं, आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। ऐसी जगह पर एक दिन भी निवास न करें जहां निम्नलिखित 5 चीजें न हों: एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ रोजगार कमाने का माध्यम न हो, जहाँ लोगों को किसी बात का भय न हो, जहाँ लोगों को किसी बात की लज्जा न हो, जहाँ लोग बुद्धिमान न हो और जहाँ लोगों की प्रवृत्ति दान धर्म की न हो। नौकर की परीक्षा तब करें जब वो कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हों। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब अपनी पत्नी की परीक्षा करें। अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे: आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना में पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली जाती ही है और उसके साथ इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान वस्तु को भी वो खो देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या के व्यंग होने के बावजूद भी उस कन्या से विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में उचित होता है। इन चार पर कभी विश्वास न करें। नदियाँ, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र-शस्त्र हो, नाखून और सींग वाले पशु, राजघरानों के लोगों पर, अगर हो सके तो विष से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में पड़ा हो तो उसे उठाएं, धोएं और अपनाएं। निचले कुल के जन्म लेने वालों से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संघनन है और आपको कोई सीख देती है तो उसे ग्रहण करें। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम 8 गुना। चाणक्य नीति अध्याय 2। भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना
ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो। पिता वही है जो पुत्र का पालन पोषण करे। मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास न करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास न करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राजों से पर्दा खोल देंगे। मन में सोचे हुए कार्यों को किसी के सामने प्रकट न करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दें। मूर्खता दुखदायी है, जवानी भी दुखदायी है, लेकिन इन सब से कहीं ज्यादा दुखदायी है किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना। हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सिर पर मणि नहीं होती, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते। बुद्धिमान पिता को अपने पुत्र को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते वो तो बच्चों के शत्रु के समान है, क्योंकि वे विद्याविहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। लाड़ प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती हैं, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंडित करें, ज्यादा लाड ना करें। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा, या आपने दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया। पत्नी का वियोग होना, अपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबी एवं दरिद्रों की सभा, ये छह बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती हैं। नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्तियों के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। वेश्य को निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, प्रजा को पराजित राजा को त्याग देना चाहिए, पक्षियों को फल रहित वृक्ष त्याग देना चाहिए एवं अतिथियों को भोजन करने के पश्चात मेजबान के घर से निकल देना चाहिए। ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात अपने यजमानों को छोड़ देते हैं, विद्वान विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को छोड़ देते हैं और पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं। जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थानों पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है। व्यवसायों में वाणिज्य सबसे अच्छा है एवं उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है। चाणक्य नीति अध्याय 3। इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं? वो कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है? सुख सदा किसको रहता है? मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है, मनुष्य के बोलचाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है। मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाता है एवं उसके शरीर का गठन उसके भोजन से बढ़ता है। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए, पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्र को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। एक दुर्जन और सर्प में ये अंतर है कि सांप तभी डसेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग न आरंभ में, न बीच में और न ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैरों वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष
पलाश के फूलों के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है, एक खूबसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दें, गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दें, देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दें, आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दें। जो उद्यमशील है वो गरीब नहीं हो सकते, जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप छू भी नहीं सकता, जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते, जो जागृत रहते हैं निर्भय होते हैं। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान के कारण राजा बाली को भी बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है, व्यापारियों के लिए कौन सी जगह दूर है, विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं, मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम पढ़ाता है। जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी तरह एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। एक विद्वान एवं सदाचारी पुत्र के कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकलने पर रात्रि जगमगा उठती है। ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करें, इससे तो वो एक ही पुत्र अच्छा है जो संपूर्ण घर को सहारा और शांति प्रदान करे। 5 साल तक पुत्र को लाड़ प्यार से पालना चाहिए, 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराइए, लेकिन जब वो 15 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान व्यवहार करें। वो व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो नीचे दी गई परिस्थितियां उत्पन्न होने पर भाग जाए। 1, भयावह आपदा। 2, विदेशी आक्रमण। 3, भयंकर अकाल। 4, दुष्ट व्यक्ति का संग। जो व्यक्ति निम्नलिखित बातें अर्जित नहीं करता वो बार बार जन्म लेकर मरता है। 1, धर्म। 2, अर्थ। 3, काम। 4, मोक्ष। धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहाँ चली आती हैं जहाँ 1, मूर्खों का सम्मान नहीं होता। 2, अनाज का अच्छे से भंडारण किया जाता है। 3, पति पत्नी में आपस में लड़ाई बखेड़ा नहीं होता है। चाणक्य नीति अध्याय 4। निम्नलिखित बातें माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं। 1, व्यक्ति कितने साल जिएगा। 2, किस प्रकार का काम करेगा। 3, उसके पास कितनी संपत्ति होगी। 4, उसकी मृत्यु कब होगी। पुत्र मित्र सगे संबंधी साधुओं को देखकर भागते हैं, लेकिन जो लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं उनमें भक्ति जागृत होती है और उनके उस पुण्य से उनका सारा कुल धन्य हो जाता है। जैसे मछली दृष्टि से, कछुआ ध्यान देकर और पंछी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही सत्जन पुरुषों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। विद्या अर्जन करना ये एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वो विदेश में माता के समान रक्षक और हितकारी होती है, इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है और वहीं असंख्य तारे भी ये काम नहीं कर पाते। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, दूसरा बालक अपने माँ बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। निम्नलिखित बातें व्यक्ति को बिना आग के ही जलाती हैं। 1, एक छोटे गांव में बसना जहां रहने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं। 2, एक ऐसे व्यक्ति के यहां काम करना जो नीच कुल में पैदा हुआ है। 3, अस्वास्थ्य वर्धक भोजन का सेवन करना। 4, जिसकी पत्नी हरदम गुस्से में होती है। 5, जिसको मूर्ख पुत्र है। 6, जिसकी पुत्री विधवा हो गई हो। वो गाय किस काम की जो न दूध देती है और न बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म भी किस काम का जो ना ही विद्वान हुआ और ना ही भगवान का भक्त हुआ। जब व्यक्ति जीवन के दुख से झुलसता है तो उसे निम्नलिखित ही सहारा देते हैं, पुत्र और पुत्री, पत्नी, भगवान के भक्त। ये बातें
एक ही बार होनी चाहिए। नंबर एक, राजा का बोलना। नंबर दो, विद्वान व्यक्ति का बोलना। नंबर तीन, लड़की का ब्याहना। जब आप तप करते हैं तो अकेले करें, अभ्यास करते हैं तो दूसरों के साथ करें, गायन करते हैं तो तीन लोग करें, कृषि चार लोग करें, युद्ध अनेक लोग मिलकर करें। वही अच्छी पत्नी है जो शुचिपूर्ण है, पारंगत है, शुद्ध है, पति को प्रसन्न रखने वाली है और सत्यवादी है। जिस व्यक्ति के पास पुत्र नहीं है उसका घर उजाड़ है, जिसे कोई सगे संबंधी नहीं है उसकी सभी दिशाएं उजाड़ हैं। मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है, निर्धन व्यक्ति का सब कुछ उजाड़ है। जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता वो जहर है। जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन जहर है। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों के किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर है। जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है उसे दूर करो। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं है उन्हें दूर करो। सतत भ्रमण करना व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है। यदि घोड़े को हरदम बांध कर रखते हैं तो वो बूढ़ा हो जाता है। धूप में रखने से कपड़े पुराने हो जाते हैं। इन बातों को बार बार गौर करें। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसा खर्चा करने के सही तरीके आपके ऊर्जा स्रोत। द्विज अग्नि में भगवान देखते हैं। भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास होता है। जो अल्पमति के लोग होते हैं वो मूर्ति में भगवान देखते हैं, लेकिन जो व्यापक दृष्टि रखने वाले लोग होते हैं वो ये जानते हैं कि भगवान सर्व। चाणक्य नीति अध्याय 5। ब्राह्मणों को अग्नि की पूजा करनी चाहिए, दूसरे लोगों को ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, पत्नी को पति की पूजा करनी चाहिए तथा दोपहर के भोजन में आने के लिए जो अतिथि आए उसकी सभी को पूजा करनी चाहिए। सोने की परख उसे घिस कर, काट कर, गर्म करके और पीट कर की जाती है। उसी तरह व्यक्ति का परीक्षण, वो कितना त्याग करता है, उसका आचरण कैसा है, उसमें गुण कौन से हैं और उसका व्यवहार कैसा है, इससे होता है। यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो उससे सावधान रहें, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह उससे छुटकारा पाएं। अनेक व्यक्ति जो एक ही गर्भ में पैदा हुए हैं, एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं, वे एक ही नहीं रहते। उसी तरह जैसे बेर के झाड़ के सभी बेर एक ही जैसे नहीं रहते। वह व्यक्ति जिसके हाथ स्वच्छ हैं कार्यालय में काम नहीं करना चाहता। जिसने अपनी कामना को खत्म कर दिया है वो शारीरिक श्रृंगार नहीं करता। जो आधा पढ़ा हुआ है वो व्यक्ति मीठे बोल नहीं बोल सकता। जो सीधी बात करता है वो धोखा नहीं दे सकता। मूर्ख लोग विद्वानों से ईर्ष्या करते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाली औरत पवित्र स्त्री से ईर्ष्या करती है। बदसूरत औरत खूबसूरत औरत से ईर्ष्या करती है। खाली बैठने से अभ्यास का नाश होता है। दूसरों को पैसा देखभाल के लिए देने से पैसे का नाश होता है। गलत ढंग से बुआई करने वाला किसान अपने बीजों का नाश करता है। यदि सेनापति नहीं है तो सेना का नाश होता है। अर्जित विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है। घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है। अच्छे गुणों से इज्जतदार आदमी को मान मिलता है। किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आँखों में दिखता है। जो वैदिक ज्ञान की निंदा करते हैं, शास्त्र सम्मत जीवन शैली का मजाक उड़ाते हैं, शांतिपूर्ण स्वभाव के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोग बिना किसी आवश्यकता के दुख को प्राप्त करते हैं। दान गरीबी को खत्म करता है। अच्छा आचरण दुख को मिटाता है। विवेक अज्ञान को नष्ट करता है। जानकारी भय को समाप्त करती है। वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है, अपने कर्मों के शुभ अशुभ परिणाम अकेले ही भोगता है, अकेले ही नरक में जाता है या सदगति प्राप्त करता है। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसके लिए स्वर्ग तो तिनके के समान है। एक पराक्रमी योद्धा अपने जीवन को तुच्छ मानता है। जिसने अपनी कामना को जीत लिया उसके लिए स्त्री भोग का विषय नहीं, उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड तुच्छ है। जिसके मन में कोई आसक्ति नहीं। जब आप सफर पर जाते हो तो विद्या अर्जन ही आपका मित्र है। घर में पत्नी मित्र है, बीमार होने पर दवा मित्र है। अर्जित पुण्य मृत्यु के बाद एकमात्र मित्र है। समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है। जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है।
पैसे वाले आदमी के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं। दिन के समय जलता दिया व्यर्थ है। निर्धन को धन की कामना, पशु को वाणी की कामना, लोगों को स्वर्ग की कामना, देव लोगों को मुक्ति की कामना। सत्य की शक्ति ही इस दुनिया को धारण करती है। सत्य की शक्ति से ही सूर्य प्रकाशमान है, हवाएं चलती हैं। सही में सब कुछ सत्य पर ही आश्रित है। लक्ष्मी जो संपत्ति की देवता है वो चंचला है, हमारी श्वास भी चंचला है। हम कितना जिएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं, हम कहाँ रहेंगे ये भी पक्का नहीं। कोई बात यहाँ पर यदि पक्की है तो वो ये कि हमारा अर्जित पुण्य कितना है। आदमियों में नाई सबसे धूर्त है, कौवा पक्षियों में सबसे धूर्त है, लोमड़ी प्राणियों में सबसे धूर्त है, औरतों में लंपट औरत सबसे धूर्त है। ये सब आपके पिता हैं, नंबर एक जिसने आपको जन्म दिया है, नंबर दो जिसने आपका यज्ञोपवीत संस्कार किया है, नंबर तीन जिसने आपको पढ़ाया है, नंबर चार जिसने आपको भोजन दिया है, नंबर पाँच जिसने आपको भयपूर्ण परिस्थितियों में बचाया है। इन सब को अपनी माताएं समझें। नंबर एक राजा की पत्नी, नंबर दो गुरु की पत्नी, नंबर तीन मित्र की पत्नी, नंबर चार पत्नी की माँ, नंबर पाँच आपकी माँ। चाणक्य नीति अध्याय 6। श्रवण करने से धर्म का ज्ञान होता है, द्वेष दूर होते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है और माया की आसक्ति से मुक्ति होती है। पक्षियों में कौवा नीच है, पशुओं में कुत्ता नीच है। जो तपस्वी पाप करता है वो घिनौना है, लेकिन जो दूसरों की निंदा करता है वो सबसे बड़ा चांडाल है। राख से घिसने पर पीतल चमकता है, तांबा इमली से साफ होता है, औरतें प्रदर से शुद्ध होती है, नदी बहती रहे तो साफ रहती है। राजा ब्राह्मण और तपस्वी योगी जब दूसरे देश जाते हैं तो आदर पाते हैं, लेकिन औरत यदि भटक जाती है तो बर्बाद हो जाती है। धनवान व्यक्ति के कई मित्र होते हैं, उसके कई संबंधी भी होते हैं। धनवान को ही आदमी कहा जाता है और पैसे वाले को ही पंडित कहकर नवाजा जाता है। सर्वशक्तिमान की इच्छा से ही बुद्धि काम करती है, वही कर्म को नियंत्रित करता है। उसी की इच्छा से आसपास में मदद करने वाले लोग आ जाते हैं। काल सभी जीवों को निपुणता प्रदान करता है, वो सभी जीवों का संहार भी करता है। वो जागता रहता है जब सब सो जाते हैं। काल को कोई जीत नहीं सकता। जो जन्म से अंधे हैं वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन है वो भी देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति को भी कभी ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ बुरा कर रहा है, और जो पैसे के पीछे पड़े हैं उनको उनके कर्मों में कोई पाप दिखाई नहीं देता। जीवात्मा अपने कर्मों के मार्ग से जाता है और जो भी भले बुरे परिणाम कर्मों में आते हैं उन्हें भोगता है। अपने ही कर्मों से वो संसार में बंधता है और अपने ही कर्मों से वो बंधनों से छूटता है। राजा को उसके नागरिकों के पाप लगते हैं, राजा के यहाँ काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं, पति को पत्नी के पाप लगते हैं, गुरु को उसके शिष्यों के पाप लगते हैं। अपने ही घर में व्यक्ति के ये शत्रु हो सकते हैं। जिसका बाप यदि हरदम कर्ज में डूबा रहता है, उसकी माँ यदि किसी दूसरे पुरुष से संग करती है, सुंदर पत्नी, वो लड़का जिसने शिक्षा प्राप्त न की हो। एक लालची आदमी को भेंट वस्तु देकर संतुष्ट कर सकते हैं, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करें, एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करें, एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट करें। एक बेकार राज्य का राजा होने से बेहतर है कि व्यक्ति किसी राज्य का राजा ना हो, एक पापी का मित्र होने से बेहतर है कि व्यक्ति बिना मित्र का हो, एक मूर्ख का गुरु होने से बेहतर है कि व्यक्ति बिना शिष्य वाला हो, एक बुरी पत्नी होने से बेहतर है कि व्यक्ति बिना पत्नी वाला हो। एक बेकार राज्य के लोग सुखी कैसे हो, एक पापी से किसी शांति की प्राप्ति कैसे हो, एक बुरी पत्नी के साथ घर में कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है, एक नालायक शिष्य को शिक्षा देकर कैसे कीर्ति प्राप्त हो। शेर से एक बात सीखें, बगुले से एक, मुर्गे से चार, कौवे से पाँच, कुत्ते से 6 और गधे से 3। शेर से एक बढ़िया बात सीखें कि आप जो भी करना चाहते हो एक दिली से और जबरदस्त प्रयास से करें। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करें। मुर्गे से ये 4 बातें सीखें, नंबर 1 सही समय पर उठें, नंबर 2 निडर बने और लड़ें, नंबर 3 संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा करें, नंबर 4 अपने भोजन की व्यवस्था खुद करें। कौवे से ये 4 बातें सीखें, नंबर 1 निडरता, नंबर 2 उपयोगी वस्तुओं का संचय करें, नंबर 3 सभी ओर दृष्टि घुमाएं, नंबर 4 दूसरों पर आसानी से विश्वास न करें। कुत्ते से ये बातें सीखें, बहुत भूख हो
पर खाने को कुछ न मिले या कम मिले तो भी संतोष करें। नंबर 2, गाढ़ी नींद में हो तो भी क्षण भर में उठ जाए। नंबर 3, अपने स्वामी के प्रति बेझिझक ईमानदारी रखें। नंबर 4, निडरता। गधे से ये 3 बातें सीखें। नंबर 1, अपना बोझ ढोना न छोड़े। नंबर 2, सर्दी गर्मी की चिंता ना करें। नंबर 3, सदा संतुष्ट रहें। जो व्यक्ति इन 20 गुणों पर अमल करेगा वो जो भी करेगा सफल होगा। चाणक्य नीति अध्याय 7, एक बुद्धिमान व्यक्ति को निम्नलिखित बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 1, कि उसकी दौलत खो चुकी है। नंबर 2, उसे क्रोध आ गया है। नंबर 3, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया है। नंबर 4, लोगों ने जो उसे गालियां दी। नंबर 5, वो किस प्रकार बेइज्जत हुआ है। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है वो सुखी हो जाता है। जो सुख और शांति का अनुभव ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लोभ में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं उन्हें कभी नहीं होता। व्यक्ति नीचे दी गई 3 चीजों से संतुष्ट रहे। नंबर 1, खुद की पत्नी। नंबर 2, वो भोजन जो विधाता ने उसे प्रदान किया है। नंबर 3, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को नीचे दी गई 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 1, अभ्यास। नंबर 2, भगवान का स्मरण। नंबर 3, परोपकार। इन दोनों के मध्य कभी भी न जाएं। नंबर 1, 2 ब्राह्मण। नंबर 2, ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि। नंबर 3, पति पत्नी। नंबर 4, स्वामी और उनका नौकर। नंबर 5, हल और बैल। अपना पैर कभी भी इनसे न छूने दें। नंबर 1, अग्नि। नंबर 2, आध्यात्मिक गुरु। नंबर 3, ब्राह्मण। नंबर 4, गाय। नंबर 5, एक कुमारिका। नंबर 6, एक उम्र में बड़ा आदमी। नंबर 7, एक बच्चा। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की, सींग वाले जानवर से 10 गज की, लेकिन दुष्ट जहां हो उस जगह से ही निकल जाएं। हाथी को अंकुश से नियंत्रण करें, घोड़े को थपथपा के, सींग वाले जानवर को डंडा दिखा के, एक बदमाश को तलवार से। ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, मोर मेघ गर्जना से, साधु दूसरों की संपन्नता देखकर और दुष्ट दूसरों की विपदा देखकर। एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करें, एक दुष्ट का प्रतिकार करें, और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उनसे समझौता विनम्रता से या कठोरता से करें। एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है, एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता, तारुण्य और मीठे वचनों में है। अपने व्यवहार में बहुत सीधे न रहें, क्योंकि आप यदि वन जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधे उगे उन्हें काट लिया गया, और जो पेड़ आड़े तिरछे हैं वो आज भी खड़े हैं। हंस वहाँ रहते हैं जहाँ पानी होता है, पानी सूखने पर वे उस जगह को छोड़ देते हैं। आप किसी आदमी को ऐसा व्यवहार न करने दें कि वो आपके पास आता और जाता रहे। संचित धन खर्च करने से बढ़ता है, उसी प्रकार जैसे ताजा जल जो अभी आया है बचता है यदि पुराने स्थिर जल को निकाल के बाहर कर दिया जाए। वो व्यक्ति जिसके पास धन है उसके पास मित्र और संबंधी भी बहुत रहते हैं, वो इस दुनिया में टिक पाता है और उसी को इज्जत मिलती है। स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोगों और धरती पर निवास करने वाले लोगों में कुछ सामान्य गुण हैं। नंबर 1, परोपकार। नंबर 2, मीठे वचन। नंबर 3, भगवान की आराधना। नंबर 4, ब्राह्मणों की जरूरतों की पूर्ति। नर्क में निवास करने वाले और धरती पर निवास करने वालों में साम्यता। नंबर 1, अत्यधिक क्रोध। नंबर 2, कठोर वचन। नंबर 3, अपने ही संबंधियों से शत्रुता। नंबर 4, नीच लोगों से मैत्री। नंबर 5, हीन हरकतें करने वालों की नौकरी। यदि आप शेर की गुफा में जाते हैं तो आपको हाथी के माथे का मणि मिल सकता है, लेकिन यदि आप लोमड़ी जहाँ रहती है वहाँ जाते हैं तो बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक अनपढ़ आदमी की जिंदगी किसी कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, उससे न उसकी इज्जत ही ढकती है और न ही कीड़े मक्खियों को भगाने के काम आती है। यदि आप दिव्यता चाहते हैं तो आपकी बोली, मन और इंद्रियों में शुद्धता होनी चाहिए, उसी प्रकार आपके हृदय में करुणा भी होनी चाहिए। जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हैं तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। चाणक्य नीति अध्याय 8, नीच वर्ग के लोग दौलत चाहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग दौलत और इज्जत दोनों चाहते हैं, लेकिन उच्च वर्ग के लोग सम्मान चाहते हैं, क्योंकि सम्मान ही उच्च लोगों की असली दौलत है।
दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसलिए काला धुआं बनता है। इसी प्रकार जिस प्रकार का अन्न आप खाते हैं, उसी प्रकार के हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। हे विद्वान पुरुष, अपनी संपत्ति केवल पात्र को ही दें और दूसरों को कभी न दें। जो जल बादल को समुद्र देता है, वो बड़ा मीठा होता है। बादल वर्षा करके वो जल पृथ्वी के सभी चल अचल जीवों को दे देता है और फिर उसे समुद्र को लौटा देता है। शरीर पर मालिश करने के बाद, शमशान में चिता का धुआं शरीर पर आने के बाद, संभोग करने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद, जब तक आदमी नहा न ले वो चांडाल रहता है। जल अपच की दवा है, जल चैतन्य निर्माण करता है। यदि उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं, पानी को भोजन के बाद तुरंत पीना विष पीने के समान है। यदि ज्ञान को उपयोग में न लाया जाए तो वो खो जाता है। यदि आदमी अज्ञानी हो तो वो खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है, पति के बिना पत्नी खो जाती है। वो आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु देखता है। वो भी अभागा है जो अपनी संपदा संबंधियों को सौंप देता है। वो भी अभागा है जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है। ये बातें बेकार है, वेद मंत्रों का उच्चारण करना लेकिन निहित यज्ञ कर्मों को न करना। यज्ञ करना लेकिन बाद में लोगों को दान देकर तृप्त न करना। पूर्णता तो भक्ति से होती है, भक्ति भी सभी सफलताओं का मूल है। एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं, दया के समान कोई गुण नहीं। क्रोध साक्षात यम है, तृष्णा नरक की ओर ले जाने वाली वैतरणी है, ज्ञान कामधेनु है, संतोष ही तो नंदनवन है। नीति की उत्तमता ही व्यक्ति के सौंदर्य का गहना है। उत्तम आचरण से व्यक्ति उत्तरोत्तर ऊंचे लोक में जाता है। सफलता ही विद्या का आभूषण है, उचित विनियोग ही संपत्ति का गहना है। नीति भ्रष्ट होने से सुंदरता का नाश होता है, हीन आचरण से अच्छे कुल का नाश होता है। पूर्णता न आने से विद्या का नाश होता है, उचित विनियोग के बिना धन का नाश होता है। जो जल धरती में समा गया वो शुद्ध है, परिवार को समर्पित पत्नी शुद्ध है, लोगों का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध है, वो ब्राह्मण शुद्ध है जो संतुष्ट है। असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट राजा, लज्जा रखने वाली वेश्या, कठोर आचरण करने वाली गृहिणी, ये सभी लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। क्या करना ऊंचे कुल का यदि बुद्धिमत्ता न हो। एक नीच कुल में उत्पन्न होने वाले विद्वान व्यक्ति का सम्मान देवता भी करते हैं। विद्वान व्यक्ति लोगों से सम्मान पाता है, विद्वान उसकी विद्वता के लिए हर जगह सम्मान पाता है। ये बिल्कुल सच है कि विद्या हर जगह सम्मानित है। जो लोग दिखने में सुंदर हैं, जवान हैं, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, वो बेकार हैं यदि उनके पास विद्या नहीं है। वो तो पलाश के फूल के समान, जो दिखते तो अच्छे हैं पर महकते नहीं। ये धरती उन लोगों के भार से दबी रह जाती है जो मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, बेवकूफ हैं। वे सब तो आदमी होते हुए भी पशु हैं। उस यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं जिसके उपरांत लोगों को बड़े पैमाने पर भोजन न कराया जाए। ऐसे यज्ञ राज्यों को खत्म कर देते हैं। यदि पुरोहित यज्ञ में ठीक से उच्चारण न करे तो यज्ञ उसे खत्म कर देता है, और यदि यजमान लोगों को दान एवं भेंट वस्तु न दे तो वो भी यज्ञ द्वारा खत्म हो जाता है। चाणक्य नीति अध्याय 9। तात, यदि तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो जिन विषयों के पीछे तुम इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भागते फिरते हो, उन्हें ऐसे त्याग दो जैसे तुम विष को त्याग देते हो। इन सब को छोड़कर हे तात, तितिक्षा, ईमानदारी का आचरण, दया, शुचिता और सत्य, इसका अमृत पियो। वो कमीने लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते फिरते हैं, उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीलों में जाकर मर जाता है। शायद किसी ने ब्रह्मा जी, जो इस सृष्टि के निर्माता हैं, को यह सलाह नहीं दी कि वो स्वर्ण को सुगंध प्रदान करें, गन्ने के झाड़ में फल प्रदान करें, चंदन के वृक्ष को फूल प्रदान करें, विद्वान को धन प्रदान करें, राजा को लंबी उम्र प्रदान करें। अमृत सबसे बढ़िया औषधि है, इंद्रिय सुख से अच्छा भोजन सर्वश्रेष्ठ सुख है, नेत्र सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ है, मस्तक शरीर के सभी भागों में श्रेष्ठ है। कोई संदेश वाहक आकाश में जा नहीं सकता, आकाश से कोई खबर आ नहीं सकती, वहाँ रहने वाले लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती,
और उनके साथ कोई संपर्क नहीं हो सकता। इसलिए वो ब्राह्मण जो सूर्य और चंद्र की भविष्यवाणी करता है उसे विद्वान मानना चाहिए। इन सातों को जगा दे यदि ये सो जाएं। नंबर एक विद्यार्थी, नंबर दो सेवक, नंबर तीन पथिक, नंबर चार भूखा आदमी, नंबर पाँच डरा हुआ आदमी, नंबर छह खजाने का रक्षक और नंबर सात खजांची। इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। नंबर एक सांप, नंबर दो राजा, नंबर तीन बाघ, नंबर चार डंक मारने वाला कीड़ा, नंबर पाँच छोटा बच्चा, नंबर छह दूसरों का कुत्ता और नंबर सात मूर्ख। जिन्होंने वेदों का अध्ययन पैसा कमाने के लिए किया और जो नीच काम करने वाले लोगों का दिया हुआ अन्न खाते हैं, उनके पास कौन सी शक्ति हो सकती है? वो ऐसे भुजंगों के समान है जो दंश नहीं कर सकते, जिसके डांटने से सामने वाले के मन में डर पैदा नहीं होता और प्रसन्न होने के बाद वो सामने वाले को कुछ नहीं देता। वो ना किसी की रक्षा कर सकता है और ना किसी को नियंत्रित कर सकता है। ऐसा आदमी भला क्या कर सकता है? यदि नाग अपना फन खड़ा करे तो भले ही वो जहरीला ना हो, तो भी उसका ये करना सामने वाले के मन में डर पैदा करने को पर्याप्त है। यहाँ ये बात कोई मायने नहीं रखती कि वो जहरीला है कि नहीं। सुबह उठकर दिन भर जो दांव आप लगाने वाले हैं उसके बारे में सोचें। दोपहर को अपनी माँ को याद करें। रात को चोरों को न भूलें। आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा यदि आप अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों से बनाए, अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से खींचे, अपने हाथों से पवित्र ग्रंथों को लिखें, गरीबी पर धैर्य से मात करें, पुराने वस्त्रों को स्वच्छ करें, बासी अन्न को गर्म करें, अपनी क्रूरता पर अपने अच्छे व्यवहार से मात करें। चाणक्य नीति अध्याय 10। जिनके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है, वो तो असल में रईस है। यदि उसके पास विद्या है, लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वो तो सब प्रकार से निर्धन है। हम अपना हर कदम फूक फूक कर रखें, हम छना हुआ जल पिए, हम वही बातें बोलें जो शास्त्र सम्मत है, हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं। जिसे अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहिए वो विद्या अर्जन करने के सभी विचार भूल जाए, और जिसे ज्ञान चाहिए वो अपने इंद्रियों की तुष्टि भूल जाए। जो इंद्रिय विषयों में लगा है उसे ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान है वो व्यर्थ की इंद्रिय तुष्टि में लगा रहे ये संभव नहीं। वो क्या है जो कभी कल्पना में नहीं आ सकता? वो कौन सी बात है जिसे करने में औरत सक्षम नहीं है? ऐसी कौन सी बकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं करता? ऐसा क्या है जो कौवा नहीं खाता? नियति एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बना सकती है। भिखारी ये कंजूस आदमी का दुश्मन है। है एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। वो पत्नी जो पराये पुरुष में रुचि रखती है उसके लिए उसका पति शत्रु है, और जो चोर रात को काम करने के लिए निकलता है चंद्रमा उसका शत्रु है। जिनके पास ये कुछ नहीं है, जैसे विद्या, तप, ज्ञान, अच्छा स्वभाव, गुण, दया भाव, वो धरती पर मनुष्य के रूप में घूमने वाले पशु हैं। धरती पर उनका भार है। जिनके भेजे खाली हैं, अर्थात जो मूर्ख हैं, वो कोई उपदेश नहीं दे सकते और ना समझ सकते हैं। यदि बांस को मलय पर्वत पर भी उगाया जाए तो उसमें चंदन के गुण नहीं आते। जिसे अपनी कोई अक्ल नहीं होती उसकी शास्त्र क्या भलाई करेंगे? एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा? एक बुरा आदमी सुधर नहीं सकता। आप पृष्ठ भाग को चाहे जितना साफ करें वो श्रेष्ठ भागों की बराबरी नहीं कर सकता। अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों को अपमान करने से दौलत जाती है, राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है, एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। ये बेहतर है कि आप जंगल में एक झाड़ के नीचे रहें, जहाँ बाघ और हाथी रहते हैं। उस जगह रहकर आप फल खाएं और जलपान करें, आप घास पर सोएं और पुराने पेड़ों की खाले पहने, लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में न रहें यदि आप निर्धन हो गए हों। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है, उसकी प्रार्थना ही उसका मूल है। वह जो वेदों का गान करता है वो उसकी शाखाएं हैं। वह जो पुण्य कर्म करता है वही उसके पत्ते हैं। इसलिए उसे अपने मूल को बचाना चाहिए। यदि मूल नष्ट हो जाता है तो शाखाएं भी न रहेंगी और पत्ते भी। लक्ष्मी मेरी माता है, विष्णु मेरे पिता हैं, वैष्णव जन मेरे सगे संबंधी हैं, तीनों लोक मेरा देश है। रात्रि के समय कितने ही प्रकार के पक्षी वृक्ष पर
विश्राम करते हैं। भोर होते ही सब पक्षी दसों दिशाओं में उड़ जाते हैं। हम क्यों भला दुख करें यदि हमारे अपने हमें छोड़कर चले गए हैं। जिसके पास में विद्या है वो शक्तिशाली है। निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है। एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। हे विश्वंभर, तू सबका पालन करता है, मैं मेरे गुजारे की चिंता क्यों करूं जब मेरा मन तेरी महिमा गाने में लगा हुआ है। आपके अनुग्रह के बिना एक माता की छाती से दूध नहीं बह सकता और शिशु का पालन नहीं हो सकता। मैं हरदम यही सोचता हूँ कि हे यदुवंशियों के प्रभु, हे लक्ष्मीपति, मेरा पूरा समय आपकी ही चरण सेवा में खर्च करता रहूं। चाणक्य नीति अध्याय 11। उदारता, वचनों में मधुरता, साहस, आचरण में विवेक, ये बातें कोई पा नहीं सकता, ये मूल में होनी चाहिए। जो अपने समाज को छोड़कर दूसरे समाज को जा मिलता है वो उसी राजा की तरह नष्ट हो जाता है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। हाथी का शरीर कितना विशाल है लेकिन एक छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो जाता है। एक दिया घने अंधकार का नाश करता है। क्या अंधेरे से दिया बड़ा है। एक कड़कती हुई बिजली एक पहाड़ को तोड़ देती है। क्या बिजली पहाड़ जितनी विशाल है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बड़ा है जिसकी शक्ति छा जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आकार कितना है। जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है वो कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता और एक शिकारी में कभी शुद्धता नहीं हो सकती। एक दुष्ट व्यक्ति में कभी पवित्रता उदित नहीं हो सकती। उसे चाहे जैसा समझा लो, जैसे नीम का वृक्ष कभी मीठा नहीं हो सकता। आप चाहे उसकी शिखा से मूल तक घी और शक्कर छिड़क दें, आप चाहे 100 बार पवित्र जल से स्नान करें, आप अपने मन का मैल नहीं धो सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता, चाहे आप उसे गर्म करके सारी मदिरा की भाप बना दे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि व्यक्ति उन बातों के प्रति अनुद्गार कहता है जिसका उसे कोई ज्ञान नहीं। उसी प्रकार जैसे एक जंगली शिकारी की पत्नी हाथी के सर का मणि फेंक कर गूंजे की माला धारण करती है। जो व्यक्ति 1 साल तक भोजन करते समय भगवान का ध्यान करेगा और मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, उसे 1000 करोड़ वर्ष तक स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। एक विद्यार्थी पूर्ण रूप से निम्नलिखित बातों का त्याग करे। 1. काम, 2. क्रोध, 3. लोभ, 4. स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा, 5. शरीर का श्रृंगार, 6. अत्यधिक जिज्ञासा, 7. अत्यधिक निद्रा, 8. शरीर निर्वाह के लिए अत्यधिक प्रयास। वो ब्राह्मण जो दुकानदारी में लगा है असल में वैश्य ही है। निम्न स्तर के लोगों से जिस व्यवसाय में संपर्क आता है वो व्यवसाय ब्राह्मण को शूद्र बना देता है। वो ब्राह्मण जो दूसरों के काम में अड़ंगे डालता है, जो दम्भी है, स्वार्थी है, धोखेबाज है, दूसरों से घृणा करता है और बोलते समय मुंह से मिठास और हृदय में क्रूरता रखता है, वो एक बिल्ली के समान है। एक ब्राह्मण जो तालाब को, कुएं को, टाके को, बगीचे को और मंदिर को नष्ट करता है वो म्लेच्छ है। वो ब्राह्मण जो भगवान की मूर्ति की संपदा चुराता है और जो अपना गुजारा करने के लिए कुछ भी और सब कुछ खाता है वो चांडाल है। एक गुणवान व्यक्ति को वो सब कुछ दान में देना चाहिए जो उसकी आवश्यकता से अधिक है। केवल दान के कारण ही कर्ण, बाली और राजा विक्रमादित्य आज तक चल रहे हैं। देखिए उन मधुमक्खियों को जो अपने पैर दुख से धरती पर पटक रही हैं और वो अपने आप से कहती हैं, आखिर में सब चला ही गया, हमने हमारे शहद को जो बचा कर रखा था ना ही दान दिया और ना ही खुद खाया, अभी एक पल में ही कोई हमसे सब कुछ छीन कर ले। चाणक्य नीति अध्याय 12। वो गृहस्थ भगवान की कृपा को पा चुका है जिसके घर में आनंददायी वातावरण है, जिसके बच्चे गुणी हैं, जिसकी पत्नी मधुर वाणी बोलती है, जिसके पास अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है, जो अपनी पत्नी से सुखपूर्ण संबंध रखता है, जिसके नौकर उसका कहना मानते हैं, जिसके घर में मेहमान का स्वागत किया जाता है, जिसके घर में मंगलदायी भगवान की पूजा रोज की जाती है, जहां स्वाद भरा भोजन पान किया जाता है, जिसे भगवान के भक्तों की संगति में आनंद आता है, जो एक संकट का सामना करने वाले ब्राह्मण को भक्ति भाव से अल्पदान देता है, उसे बदले में
विपुल लाभ होता है। वे लोग जो इस दुनिया में सुखी हैं, जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय हैं, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त हैं। अरे लोमड़ी, उस व्यक्ति के शरीर को तुरंत छोड़ दे जिसके हाथों ने कोई दान नहीं दिया, जिसके कानों ने कोई विद्या ग्रहण नहीं की, जिसके आँखों ने भगवान का सच्चा भक्त नहीं देखा, जिसके पाँव कभी तीर्थ क्षेत्रों में नहीं गए, जिसने अधर्म के मार्ग से कमाए हुए धन से अपना पेट भरा और जिसने बिना मतलब ही अपना सर ऊंचा उठा रखा है। अरे लोमड़ी, उसे मत खा, नहीं तो दूषित हो जाएगी। धिक्कार है उन्हें जिन्हें भगवान श्री कृष्ण, जो माँ यशोदा के लाडले हैं, उनके चरण कमलों में कोई भक्ति नहीं। मृदंग की ध्वनि धिक्तम धिक्तम करके ऐसे लोगों का धिक्कार करती है। बसंत ऋतु क्या करेगी यदि बांस पर पत्ते नहीं आते, सूर्य का क्या दोष यदि उल्लू दिन में देख नहीं सकता, बादलों का क्या दोष यदि बारिश की बूंदे चातक पक्षी की चोंच में नहीं गिरती। उसे कोई कैसे बदल सकता है जो किसी के मूल में है। एक दुष्ट के मन में सद्गुणों का उदय हो सकता है यदि वह एक भक्त के सत्संग करता है, लेकिन दुष्ट का संग करने से भक्त दूषित नहीं होता। जमीन पर जो फूल गिरता है उससे धरती सुगंधित होती है, लेकिन पुष्प को धरती की गंध नहीं लगती। उसका सही से कल्याण हो जाता है जिसे भक्त के दर्शन होते हैं। भक्त में तुरंत शुद्ध करने की क्षमता है। पवित्र क्षेत्र में तो लंबे समय के संपर्क से शुद्धि होती है। एक अजनबी ने एक ब्राह्मण से पूछा, बताइए इस शहर में महान क्या है? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि खजूर के पेड़ का समूह महान है। अजनबी ने सवाल किया, यहाँ दानी कौन है? जवाब मिला कि ये धोबी जो सुबह से कपड़े ले जाता है और शाम को लौटाता है। प्रश्न हुआ, यहाँ सबसे काबिल कौन है? जवाब मिला, यहाँ हर कोई दूसरे का द्रव्य और दारा हरण करने में काबिल है। प्रश्न हुआ कि आप ऐसी जगह रह कैसे लेते हैं? जवाब मिला कि जैसे एक कीड़ा एक दुर्गंध युक्त जगह पर रहता है। वो घर जहाँ ब्राह्मणों के चरण कमल को धोया नहीं जाता, जहाँ वैदिक मंत्रों का जोर से उच्चारण नहीं होता और जहाँ भगवान को और पितरों को भोग नहीं लगाया जाता, वो घर एक शमशान है। सत्य मेरी माता है, आध्यात्मिक ज्ञान मेरा पिता है, धर्माचरण मेरा बंधु है, दया मेरा मित्र है, भीतर की शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरा पुत्र है। मेरे परिवार में ये 6 लोग हैं। हमारे शरीर नश्वर हैं, धन में तो कोई स्थायी भाव नहीं है, मृत्यु हरदम हमारे निकट है, इसलिए हमें तुरंत पुण्य कर्म करने चाहिए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से आनंद आता है, गायों को ताजी कोमल घास खाने में, पत्नी को पति के सानिध्य में, क्षत्रियों को युद्ध में आनंद आता है। जो दूसरे की पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला, दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख, उसी को सही दृष्टि प्राप्त होती है और वही विद्वान है। भगवान राम में ये सब गुण हैं। नंबर 1 सद्गुणों की प्रीति, नंबर 2 मीठे वचन, नंबर 3 दान देने की तीव्र इच्छा शक्ति, नंबर 4 मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार, नंबर 5 गुरु की उपस्थिति में विनम्रता, नंबर 6 मन की गहरी शांति, नंबर 7 शुद्ध आचरण, नंबर 8 गुणों की परख, नंबर 9 शास्त्र के ज्ञान की अनुभूति, नंबर 10 रूप की सुंदरता, नंबर 11 भगवत भक्ति। कल्पतरु तो एक लकड़ी ही है, सुवर्ण का सुमेर पर्वत तो निश्चल है, चिंतामणि तो एक पत्थर है, सूर्य में ताप है, चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, अमर्याद समुद्र तो खारा है, कामदेव का तो शरीर ही जल गया, महाराज बलि तो राक्षस कुल में पैदा हुए, कामधेनु तो पशु ही है, भगवान राम के समान कौन है? विद्या सफर में हमारा मित्र है, पत्नी घर पर मित्र है, औषधि रुग्ण व्यक्ति की मित्र है, मरते वक्त तो पुण्य कर्म ही मित्र है। राज परिवारों से शिष्टाचार सीखें, पंडितों से बोलने की कला सीखें,
जुआरियों से झूठ बोलना सीखें, एक औरत से छल सीखें। बिना सोचे समझे खर्च करने वाला नटखट बच्चा जिसे अपना घर नहीं, अपनी पत्नी को दुर्लक्षित करने वाला जो अपने आचरण पर ध्यान नहीं देता है, ये लोग जल्दी ही बर्बाद हो जाएंगे। एक विद्वान व्यक्ति को अपने भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे सिर्फ अपने धर्म को निभाने की चिंता होनी चाहिए। हर व्यक्ति का भोजन पर जन्म से ही अधिकार है। जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वह सुखी रहता है। बूंद बूंद से सागर बनता है, इस तरह बूंद बूंद से ज्ञान, गुण और संपत्ति प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति अपने बुढ़ापे में भी मूर्ख है, वो सचमुच ही मूर्ख है। उसी प्रकार जिस प्रकार इंद्र वरुण का फल कितना भी पके मीठा नहीं होता। चाणक्य नीति अध्याय 13। यदि आदमी एक पल के लिए भी जिए तो भी उस पल को शुभ कर्म में खर्च करे। एक कल्प तक जी कर कोई लाभ नहीं। दोनों लोक, इस लोक और परलोक में तकलीफ होती है। हम उसके लिए न पछताएं जो बीत गया, हम भविष्य की चिंता भी न करें। विवेक बुद्धि रखने वाले लोग केवल वर्तमान में जीते हैं। यह देवताओं का, सज्जनों का और पालकों का स्वभाव है कि वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। निकट के और दूर के रिश्तेदार तब प्रसन्न होते हैं जब उनका आदर सम्मान किया जाए, उनके नहाने का, खाने पीने का प्रबंध किया जाए। पंडित जन उन्हें आध्यात्मिक संदेश का मौका दिया जाता है तो प्रसन्न होते हैं। जब बच्चा अम्मा के गर्भ में होता है तो ये 5 बातें तय हो जाती हैं। 1, कितनी लंबी उम्र होगी। 2, वो क्या करेगा। 3, कितना धन अर्जित करेगा। 4, कितना ज्ञान अर्जित करेगा। 5, मौत कब होगी। देखिए क्या आश्चर्य है, बड़े लोग अनोखी बातें करते हैं। वे पैसे को तो तिनके की तरह मामूली समझते हैं, लेकिन जब वे उसे प्राप्त करते हैं तो उसके भार से और विनम्र होकर झुक जाते हैं। जो व्यक्ति अपने घर के लोगों से बहुत आसक्ति रखता है, वो भय और दुख को पाता है। आसक्ति ही दुख का मूल है। जिसे सुखी होना है उसे आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटा सकता है, ये दोनों व्यक्ति सुखी हैं। लेकिन जो आदमी सिर्फ नसीब के सहारे चलता है वो बर्बाद होता है। यदि राजा पुण्यात्मा है तो प्रजा भी वैसी ही होती है। यदि राजा पापी है तो प्रजा भी पापी होती है। यदि वो सामान्य है तो प्रजा सामान्य होती है। प्रजा के सामने राजा का उदाहरण होता है और वो उनका अनुसरण करती है। मेरी नजरों में वो आदमी मृत है जो जीते ही धर्म का पालन नहीं करता, लेकिन जो धर्म पालन में अपने प्राण दे देता है वो मरने के बाद भी बेशक लंबा जीता है। जिस व्यक्ति ने न कोई ज्ञान संपादन किया, न ही पैसा कमाया, मुक्ति के लिए जो आवश्यक है उसकी पूर्ति भी नहीं की, वो एक निहायत बेकार जिंदगी जीता है। जो नीच कुल होते हैं वे दूसरों की कीर्ति को देखकर जलते हैं। वो दूसरों के बारे में अपशब्द कहते हैं क्योंकि उनकी कुछ करने की औकात नहीं होती। यदि विषय बहुत प्रिय है तो वो बंधन में डालते हैं। विषय सुख की अनासक्ति से मुक्ति की और गति होती है। इसलिए मुक्ति या बंधन का मूल मन ही है। जो आत्म स्वरूप का बोध होने से खुद को शरीर नहीं मानता, वो हरदम समाधि में रहता है, भले ही उसका शरीर कहीं भी चला जाए। किसी को सब सुख प्राप्त हुए जिसकी कामना की, सब कुछ भगवान के हाथ में है, इसलिए हमें संतोष में जीना होगा। जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी तरह कर्म आदमी के पीछे चलते हैं। जिसके काम करने में कोई व्यवस्था नहीं, उसे कोई सुख नहीं मिल सकता, लोगों के बीच या वन में। लोगों के मिलने से उसका हृदय जलता है और वन में तो कोई सुविधा होती ही नहीं। यदि आदमी उपकरण का सहारा ले तो गर्भ जल से पानी निकाल सकता है। उसी तरह यदि विद्यार्थी अपने गुरु की सेवा करे तो गुरु के पास जो ज्ञान निधि है वो उसे प्राप्त हो सकती है। हमें अपने कर्म का फल मिलता है, हमारी बुद्धि पर इसके पहले हमने जो कर्म किए हैं उसका निशान है। इसलिए जो विद्वान लोग हैं वो सोच विचार कर कर्म करते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको आध्यात्मिक महत्ता का एक अक्षर भी पढ़ाया हो उसकी पूजा करनी चाहिए।
जब युग का अंत हो जाएगा तो मेरु पर्वत डिग जाएगा, जब कल्प का अंत होगा तो सातों समुद्र का पानी विचलित हो जाएगा, लेकिन साधु कभी भी अपने आध्यात्मिक मार्ग से नहीं डिगेगा। इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न हैं। मूर्खों को लगता है पत्थर के टुकड़े रत्न हैं। चाणक्य नीति अध्याय 14। गरीबी, दुख और एक बंदी का जीवन, ये सब व्यक्ति के किए हुए पापों का ही फल है। आप दौलत, मित्र, पत्नी और राज्य गंवा कर वापस पा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी काया गंवा देते हैं तो वापस नहीं मिलेगी। यदि हम बड़ी संख्या में एकत्र हो जाएं तो दुश्मन को हरा सकते हैं। उसी प्रकार जैसे घास के तिनके एक दूसरे के साथ रहने के कारण भारी वर्षा में भी क्षय नहीं होते, पानी पर तेल, एक कमीने आदमी को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से फैलते हैं। वो व्यक्ति क्यों मुक्ति को नहीं पाएगा जो निम्नलिखित परिस्थितियों में जो उसके मन की अवस्था होती है उसे कायम रखता है। जब वो धर्म के अनुदेश को सुनता है, जब वो शमशान घाट में होता है, जब वो बीमार होता है, वो व्यक्ति क्यों पूर्णता नहीं हासिल करेगा जो पश्चाताप में जो मन की अवस्था होती है उसी अवस्था को काम करते वक्त बनाए रखेगा। हमें अभिमान नहीं होना चाहिए जब हम ये बातें करते हैं। नंबर एक, परोपकार। नंबर दो, आत्मसंयम। नंबर तीन, पराक्रम। नंबर चार, शास्त्र का ज्ञान हासिल करना। नंबर पाँच, विनम्रता। नंबर छः, नीतिमत्ता। ये करते वक्त अभिमान करने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि दुनिया बहुत कम दिखाई देने वाले दुर्लभ रत्नों से भरी पड़ी है। वह जो हमारे मन में रहता है, हमारे निकट है, हो सकता है कि वास्तव में वो हमसे बहुत दूर हो। इसलिए वो व्यक्ति जो हमारे निकट है लेकिन हमारे मन में नहीं, वो हमसे बहुत दूर है। यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उससे ऐसे शब्द बोलें जिससे वो प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वो हिरन पर बाण चलाना चाहता है। जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्मगुरु से और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है वो विनाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इनसे पूर्ण रूप से अलिप्त रहता है उसे अपना भला करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसलिए इनसे सुरक्षित अंतर रखकर संबंध रखना चाहिए। हम इनके साथ बहुत सावधानी से पेश आए। नंबर एक, अग्नि। नंबर दो, पानी। नंबर तीन, औरत। नंबर चार, मूर्ख। नंबर पाँच, सांप। नंबर छः, राज परिवार के सदस्य। जब जब हम इनके संपर्क में आते हैं, क्योंकि ये हमें एक झटके में मौत तक पहुंचा सकते हैं। वही व्यक्ति जीवित है जो गुणवान है और पुण्यवान है, लेकिन जिसके पास धर्म और गुण नहीं उसे क्या शुभकामना दी जा सकती है। यदि आप दुनिया को एक काम करके जीतना चाहते हैं तो इन 15 को अपने काबू में रखो, इन्हें इधर उधर भागने न दे। 5 इंद्रियों के विषय। नंबर एक, जो दिखाई देता है। 2, जो सुनाई देता है। 3, जिसकी गंध आती है। 4, जिसका स्वाद आता है। 5, जिसका स्पर्श होता है। 5 इंद्रिय। नंबर एक, आँख। नंबर दो, कान। नंबर तीन, नाक। नंबर चार, जिह्वा। नंबर पाँच, त्वचा। 5 कामेंद्रियाँ। नंबर एक, हाथ। नंबर दो, पाँव। नंबर तीन, मुँह। नंबर चार, ज्ञानेंद्रिय। नंबर पाँच, गुदा। वही पंडित है जो वही बात बोलता है जो प्रसंग के अनुरूप हो, अपनी शक्ति के अनुरूप दूसरों की प्रेम की से सेवा करता है, जिसे अपने क्रोध की मर्यादा का पता है। एक ही वस्तु देखने वालों की योग्यता के अनुरूप अलग अलग दिखती है। तप करने वाले को वस्तु में देखकर कोई कामना नहीं जागती। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो निम्नलिखित बातें किसी को न बताए। वो औषधि जो उसने बनाई है, जो अच्छा काम कर रही है, वो परोपकार जो उसने किया, उसके घर के झगड़े, उसकी उसकी पत्नी के साथ होने वाले व्यक्तिगत बातें, उसने जो ठीक से न पकाया हुआ खाना खाया, जो गालियां उसने सुनी। कोकिल तब तक मौन रहते हैं जब तक वो मीठा गाने की काबिलियत हासिल नहीं कर लेते और सबको आनंद नहीं पहुंचा सकते। हम निम्नलिखित बातें प्राप्त करें और उसे कायम रखें। हमें पुण्य कर्म के जो आशीर्वाद मिले, धन, अनाज, वो शब्द जो हमने हमारे आध्यात्मिक गुरु से सुने, कम पाई जाने वाली दवाइयाँ। हम ऐसा नहीं करते हैं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कुसंग का त्याग करें
और संत जनों से मेलजोल बढ़ाएं, दिन और रात गुणों का संपादन करें, उस पर हमेशा चिंतन करें जो शाश्वत है, और जो अनित्य है उसे भूल जाएं। चाणक्य नीति अध्याय 15। वो व्यक्ति जिसका हृदय हर प्राणी मात्र के प्रति करुणा से पिघलता है, उसे जरूरत क्या है किसी ज्ञान की, मुक्ति की, सर के ऊपर जटा जूट रखने की और अपने शरीर पर राख मलने की। इस दुनिया में वो खजाना नहीं है जो आपको आपके सद्गुरु ने एक ज्ञान का एक अक्षर दिया उसके कर्ज से मुक्त कर सके। कांटों और दुष्ट लोगों से बचने के दो उपाय हैं। पैरों में जूते पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर उठा न सके और आपसे दूर रहे। जो अस्वच्छ कपड़े पहनता है, जिसके दांत साफ नहीं, जो बहुत खाता है, जो कठोर शब्द बोलता है, जो सूर्योदय के बाद उठता है, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों ना हो, वो लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएगा। जब व्यक्ति दौलत खोता है तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर, संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं, और जब वो दौलत वापस हासिल कर लेता है तो ये सब लौट आते हैं। इसलिए दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। पाप से कमाया हुआ पैसा 10 साल रह सकता है, 11वें साल में वो विलुप्त हो जाता है। एक महान आदमी जब कोई गलत काम करता है तो उसे कोई अच्छा नहीं कहता। एक नीच आदमी जब कोई अच्छा काम करता है तो उसका धिक्कार होता है। देखिए, अमृत पीना तो अच्छा है, लेकिन राहु की मौत अमृत पीने से ही हुई। विष पीना नुकसानदायी है, लेकिन भगवान शंकर ने जब विष का पान किया तो विष उनके गले का अलंकार हो गया। एक सच्चा भोजन वो है जो ब्राह्मण को देने के बाद शेष है। प्रेम वो सत्य है जो दूसरों को दिया जाता है। खुद से जो प्रेम होता है वो नहीं, वही बुद्धिमत्ता है जो पाप करने से रोकती है। वही दान है जो बिना दिखावे के किया जाता है। यदि आदमी को परख नहीं है तो वो अनमोल रत्नों को तो पैर की धूल में पड़ा हुआ रखता है और घास को सर पर धारण करता है। ऐसा करने से रत्नों का मूल्य कम नहीं होता और घास के तिनकों की महत्ता नहीं बढ़ती। जब विवेक बुद्धि वाला आदमी आता है तो हर चीज को उसकी जगह दिखाता है। शास्त्रों का ज्ञान अगाध है, वो कलाएं अनंत हैं जो हमें सीखनी चाहिए। हमारे पास समय थोड़ा है, जो सीखने के मौके हैं उसमें अनेक विघ्न आते हैं, इसलिए वही सीखें जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जैसे हंस पानी छोड़कर उससे मिला हुआ दूध पी लेता है, वो आदमी चांडाल है जो एक दूर से अचानक आए हुए थके अतिथि को आदर सत्कार दिए बिना रात्रि का भोजन खुद खाता है। एक व्यक्ति को चारों वेद और सभी धर्मशास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसे यदि अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वो उसी चमचे के समान है जिसने अनेक पकवानों को हिलाया लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। वो लोग धन्य हैं, ऊंचे उठे हुए हैं, जिन्होंने संसार समुद्र को पार करते हुए एक सच्चे ब्राह्मण की शरण ली। उनकी शरणागति ने नौका का काम किया। वे ऐसे मुसाफिरों की तरह नहीं हैं जो एक सामान्य जहाज पर सवार हैं जिसके डूबने का खतरा है। चंद्रमा जो अमृत से लबालब है और औषधियों के देवता माना जाता है, जो अमृत के समान अमर और दैदीप्यमान है, उसका क्या हश्र होता है जब वो सूर्य के घर जाता है, अर्थात दिन में दिखाई देता है। तो क्या एक सामान्य आदमी दूसरों के घर जाकर लघुता को नहीं प्राप्त होगा? ये मधुमक्खी जो कमल की नाजुक पंखुड़ियों में बैठकर उसके मीठे मधु का पान करती थी, वो अब एक सामान्य कुटज के फूल पर अपना ताव मारती है, क्योंकि वो ऐसे देश में आ गई है जहाँ कमल है ही नहीं, उसे कुटज के पराग ही अच्छे लगते हैं। मेरे स्वामी, मैं ब्राह्मणों के घर में इसलिए नहीं रहती क्योंकि अगस्त ऋषि ने गुस्से में समुद्र को, जो मेरे पिता है, पी लिया। भृगु मुनि ने आपकी छाती पर लात मारी। ब्राह्मणों को पढ़ने में बहुत आनंद आता है और वे मेरी जो स्पर्धक है उस सरस्वती की हरदम कृपा चाहते हैं, और वे रोज कमल के फूल को, जो मेरा निवास है, जलाशय से निकालते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। दुनिया में बांधने के ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को प्रभाव में लाया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे मजबूत बंधन प्रेम का है। इसका उदाहरण वो मधुमक्खी है जो लकड़ी को छेड़ सकती है लेकिन फूल की पंखुड़ियों को छेदना पसंद नहीं करती, चाहे उसकी जान चली जाए।
चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते, हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता, गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में क्यों ना बसर करना पड़े। चाणक्य नीति अध्याय 16। मूर्ख को लगता है कि वो हसीन लड़की उसे प्यार करती है और वो उसका गुलाम बन जाता है और उसके इशारों पर नाचता है। ऐसा यहाँ कौन है जिसमें दौलत पाने के बाद मस्ती नहीं है? क्या कोई बेलगाम आदमी अपने संकटों पर रोक लगा पाया है? इस दुनिया में किस आदमी को औरत ने कब्जे में नहीं किया? किसके ऊपर राजा की हरदम मेहरबानी रही? किसके ऊपर समय के प्रकोप नहीं हुए? किस भिखारी को यहाँ शोहरत मिली? किस आदमी ने दुष्ट के दुर्गुण पाकर सुख को प्राप्त किया? व्यक्ति को महत्ता उसके गुण प्रदान करते हैं। वो जिन पदों पर काम करता है सिर्फ उससे कुछ नहीं होता। क्या आप एक कौए को गरुड़ कहेंगे यदि वो एक ऊंची इमारत की छत पर जाकर बैठता है? जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन जिसकी लोग सराहना करते हैं वो दुनिया में काबिल माना जा सकता है, लेकिन जो आदमी खुद की ही डींगे हाँकता है वो अपने आप को दूसरों की नजरों में गिराता है, भले ही वो स्वर्ग का राजा इंद्र क्यों ना हो। यदि एक विवेक संपन्न व्यक्ति अच्छे गुणों को परिचय देता है तो उसके गुणों की आभा को रत्न जैसी मान्यता मिलती है। एक ऐसा रत्न जो प्रज्वलित है और सोने के अलंकरण में मढ़ने पर और चमकता है। मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े या सदाचार का त्याग करना पड़े या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। सभी परोपकार और तप तात्कालिक लाभ देते हैं, लेकिन सुपात्र को जो दान दिया जाता है और सभी जीवों को जो संरक्षण प्रदान किया जाता है उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। घास का तिनका हल्का है, कपास उससे भी हल्का है, भिखारी तो अनंत गुना हल्का है। फिर हवा का झोंका उसे उड़ा के क्यों नहीं ले जाता? क्योंकि वो डरता है कि कहीं वो भीख न मांग ले। बेइज्जत होकर जीने से अच्छा है कि मर जाए। मरने में एक क्षण का दुख होता है, बेइज्जत होकर जीने में हर रोज दुख उठाना पड़ता है। सभी जीव मीठे वचनों से आनंदित होते हैं, इसलिए हम सबसे मीठे वचन कहें। मीठे वचन की कोई कमी नहीं है। इस दुनिया में वृक्ष को दो मीठे फल लगे हैं, मधुर वचन और सत्संग। पहले के जन्मों की अच्छी आदतें जैसे दान, विद्यार्जन और तप इस जन्म में भी चलती रहती हैं, क्योंकि सभी जन्म एक श्रृंखला से जुड़े हैं। जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया है और जिसने अपनी दौलत दूसरों के सुपुर्द कर दी है, जरूरत आने पर ज्ञान और दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। चाणक्य नीति अध्याय 17। वो विद्वान जिसने असंख्य किताबों का अध्ययन बिना सद्गुरु के आशीर्वाद से कर लिया, वो विद्वानों की सभा में एक सच्चे विद्वान के रूप में नहीं चमकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक नाजायज औलाद को दुनिया में कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं होती, वो चीज जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वो भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम तप करते हैं, क्योंकि तप से ऊपर कुछ नहीं। लोभ से बड़ा दुर्गुण क्या हो सकता है और निंदा से बड़ा पाप क्या है? जो सत्य में प्रस्थापित है उसे तप करने की क्या जरूरत है? जिसका हृदय शुद्ध है उसे तीर्थ यात्रा की क्या जरूरत है? यदि स्वभाव अच्छा है तो और किस गुण की जरूरत है? यदि कीर्ति है तो अलंकार की क्या जरूरत है? समुद्र भी सभी रत्नों का भंडार है, वो शंख का पिता है, देवी लक्ष्मी शंख की बहन है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि उसी को मिलेगा जिसने पहले दिया है। जब आदमी में शक्ति नहीं रह जाती तो वो साधु हो जाता है, जिसके पास दौलत नहीं होती वो ब्रह्मचारी बन जाता है। रुग्ण भगवान का भक्त हो जाता है। जब औरत बूढ़ी हो जाती है तो पति के प्रति समर्पित हो जाती है। सांप के दंश में विष होता है, कीड़े के मुंह में विष होता है, बिच्छू के डंक में विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति तो पूर्ण रूप से विष से भरा होता है। जो स्त्री अपने पति की सम्मति के बिना व्रत रखती है और उपवास करती है वो उसकी आयु घटाती है और खुद नरक में जाती है। स्त्री दान देकर, उपवास रखकर और पवित्र जल का पान करके पावन नहीं हो सकती। वो पति के चरणों को धोने से और ऐसे जल का पान करने से शुद्ध हो जाती है। एक हाथ की शोभा गहनों से नहीं दान देने से है, चंदन का लेप लगाने से नहीं जल से नहाने से निर्मलता आती है। एक व्यक्ति भोजन खिलाने से नहीं सम्मान देने से संतुष्ट होता है। मुक्ति खुद को सजाने से नहीं होती,
आध्यात्मिक ज्ञान को जगाने से होती है, जिसमें सभी जीवों के प्रति परोपकार की भावना है वो सभी संकटों पर मात करता है और उसे हर कदम पर सभी प्रकार की संपन्नता प्राप्त होती है। वो इंद्र के राज्य में जाकर क्या सुख भोगेगा जिसकी पत्नी प्रेम भाव रखने वाली और सदाचारी है, जिसके पास में संपत्ति है, जिसका पुत्र सदाचारी और अच्छे गुण वाला है, जिसको अपने पुत्र द्वारा पौत्र हुए हैं। मनुष्यों में और निम्न स्तर के प्राणियों में खाना, सोना, घबराना और गमन करना समान है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है तो विवेक ज्ञान की बदौलत। इसलिए जिन मनुष्यों में ज्ञान नहीं वे पशु हैं। यदि मदमस्त हाथी अपने माथे से टपकने वाले रस को पीने वाले भौरे को कान हिलाकर उड़ा देता है तो भौरों का कुछ नहीं जाता, वे कमल में भरे हुए तालाब की ओर खुशी से चले जाते हैं। हाथी के माथे का श्रृंगार कम हो जाता है। ये आठों कभी दूसरों का दुख नहीं समझ सकते। नंबर एक राजा, नंबर दो वैश्या, नंबर तीन यमराज, नंबर चार अग्नि, नंबर पाँच चोर, नंबर छह छोटा बच्चा, नंबर सात भिखारी और नंबर आठ कर वसूल करने वाला। हे केत की पुष्पा, तुम में तो कीड़े रहते हैं, तुमसे ऐसा कोई फल भी नहीं बनता जो खाया जाए। तुम्हारे पत्ते कांटों से ढके हैं, तुम टेढ़े होकर बढ़ते हो, कीचड़ में खिलते हो, कोई तुम्हें आसानी से पा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी अतुलनीय खुशबू के कारण दूसरे पुष्पों की तरह तुम सभी को प्रिय हो। इसलिए एक ही अच्छाई अनेक बुराइयों पर भारी पड़ती है।